हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम के बाद जो है आंसर की, रिजल्ट, डीवी मेडिकल और ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लग सकता है, किस मंथ में आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो कब तक आपका ये सपना पूरा हो सकता है। थोड़ा सा मोटिवेशनल ये वीडियो रहेगा और जिनका एग्जाम हो चुका है वो लोग डेफिनेटली वीडियो कंप्लीट देंगे। छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, एक ओवरव्यू आपको दूंगा कि कब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती है। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आपको टेस्ट बुक की द गाइडिंग लाइट सेल के बारे में बताना चाहूंगा। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में यहां पर एक सेल इनकी तरफ से चलाई गई है जो 7 तारीख तक वैलिड रहने वाली है। इसमें जो इनका ईयरली पास है जिसका प्राइस 399 है वो आपको 360 रुपये में मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फिर वेबसाइट पर जाना है और इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज करना है। ये कोड लगाते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही बहुत सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो सारे आपको एक सिंगल पास में 1 साल के लिए मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके इसका लाभ ले सकते हैं। तो बात करते हैं अपने टॉपिक की कि एग्जाम कब तक कंप्लीट हो सकता है, आंसर की, रिजल्ट और फाइनल जॉइनिंग कब तक हो सकती है। बिल्कुल छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में सारी बातें आपको बता देता हूं। यहां पर एक ओवरव्यू मैंने बनाया है। देखो, आपको पता है एग्जाम बहुत तेजी से चल रहा है, 4 फेज में आपका ऑलमोस्ट एग्जाम कंप्लीट होना है और लास्ट वाला जो 4th फेज है जहां तक मुझे लगता है वो सितंबर लास्ट में आपका खत्म हो सकता है। लेकिन उसको मैक्सिमम भी हम लेके चलते हैं तो 10 अक्टूबर तक आपका 4th फेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर 10 अक्टूबर तक आपके सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जैसा आपने NTPC में देखा कि जो आंसर की है वो 7 के साथ जारी की जा रही थी लेवल वाइज, हालांकि यहां पर तो आपके आंसर की 1 साथ आएगी सभी RRC की जहां तक मुझे लगता है। तो अगर 10 अक्टूबर तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो अक्टूबर के लास्ट में यानी कि 20 दिन के गैप के बाद आपकी आंसर की डेफिनेटली आ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर अक्टूबर लास्ट तक आपकी आंसर की आ जाती है तो डेफिनेटली जो आपका रिजल्ट है ना वो नवंबर में जारी हो जाएगा। नवंबर के मिड में या नवंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर नवंबर लास्ट में रिजल्ट आता है तो जहां तक मुझे लगता है दिसंबर में आपका PET कंप्लीट करा लेंगे। मैं आपको बता दूं, PET में ज़्यादा समय नहीं लगता है और PET के लिए ज़्यादा टाइम भी इस बार नहीं मिलेगा। पिछली बार अराउंड 25 डेज मिले थे, इस बार जो है वही आपका दिसंबर में अगर कंप्लीट कराना है 15 से 20 दिन बीच में मिलेंगे और दिसंबर तक आपका PET कंप्लीट हो सकता है। अगर दिसंबर में आपका PET ये लोग ले लेते हैं तो जनवरी लास्ट में एक फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा जो सेकेंड ऑफ आती है और उसमें पता लग जाएगा कि इनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहां पर डीवी मेडिकल जो है वो आपके फरवरी मार्च के बीच में कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और फाइनली, जैसा कि रेलवे मंत्री जी ने हमें बताया था एक बयान में कि अगले साल 2023 के मिड तक जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो वही अप्रैल मई तक जाकर बहुत सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखो, यहां पर मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सभी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन पहले पैनल वाले स्टूडेंट के ऑलमोस्ट 99% लोगों को ज्वाइनिंग यहां पर अप्रैल मई तक मिल जाएगी। फिर प्रोसेस थोड़ा थोड़ा आगे चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि 2023 के लास्ट तक जाते जाते लगभग डी के सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। NTPC का भी सेम यही प्रोसेस रहना है क्योंकि फिर उसके बाद 2024 में इलेक्शन है। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अप्रैल मई 2023 तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी ग्रुप डी की, जिस जॉब का आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।